हेलो एवरीवन, नीलूज होम किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चाइनीज़ खाना किसको नहीं पसंद होता, ये हम सब का ही फेवरेट होता है। और इन सब में जो हमारा फेवरेट होता है वो होता है मोमोज़। तो आज मैं आपके लिए मोमोज़ बनाने की एक बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने बिल्कुल अलग तरह की एक स्टफिंग बनाई है और इसको अलग अलग डिज़ाइंस में भी बनाना बताया है। और कैसे आप बिल्कुल इजी तरीके से मोमो बना सकते हैं ये भी मैंने बताया, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको सब समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल करके इसको अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। मतलब डो इस तरह का होना चाहिए कि जैसे हम चपाती के लिए डो लगाते हैं ना, उससे हल्का सा हार्ड होना चाहिए। और अब इसको हम ढक करके और एक ढक्कन से ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो बढ़िया तरह से सेट हो जाए। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल ले लिया है। तेल को गर्म करने के बाद बारीक कटी हुई अदरक लहसुन डाल दी है। इसको हमें हल्का सा भून लेना है, केवल इसका कच्चापन ख़त्म करना है। जब ये हल्का सा गुलाबी हो जाएगा तब यहाँ एक छोटी पत्ता गोभी को मैंने बारीक काट करके डाला है। और इस समय अब हमें जो इसकी फ्लेम है उसको हमें मीडियम कर देना है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप बारीक कटी हुई गाजर भी डाल दी है। सब्जियाँ आप कोई भी अपनी मनपसंद की डाल सकते हैं। इसको हम बढ़िया तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें मैंने 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाली, आप पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें स्वादानुसार हम नमक डाल देंगे और 1/2 चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा आप खाते हो उस हिसाब से आप तीखा रखें। और फिर इसको हमें बढ़िया तरह से भून लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, सब्जियों को थोड़ा सा हमें क्रंची रखना है क्योंकि अभी ये बॉयल होंगे। अब हमें फिलिंग को ठंडा करके, और जो है मोमो की फिलिंग हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब हमारा आटा 15 मिनट बाद जो है वो देखिए सेट हो चुका है। इसको हम बढ़िया तरह से मसल लेंगे। ये देखिए, हमारा आटा बढ़िया तरह से सेट हो चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी लोइयां काट लेंगे। अब एक लोई को लेकर के हमें उसको बोर्ड पर सूखा मैदा लगा करके और एक छोटी पूड़ी जो है वो बेल लेनी है, एकदम पतली। जितना आप पतला बेल सकें उतने ही बढ़िया मोमोज आपके बनेंगे। तो इसको हमें बिल्कुल पतला बेलना है। और 1 चम्मच अब स्टफिंग हम इसके बीच में रख देंगे। और जिस तरह से हम साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं ना, उस तरह घुमाते हुए देखिए हम इसकी प्लेट्स बनाते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह पूरा इसको घुमाते हुए बंद कर देंगे और एकदम सील कर देंगे। तो ये हमारा पहला मोमो बन करके तैयार है। अब मैं आपको दूसरे डिज़ाइन में मोमो बना करके दिखाती हूँ। पहले हम एकदम पतली इसकी छोटी सी पूड़ी बेल लेंगे, सूखा आटा लगाते जाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच फिलिंग रखेंगे और इसको पीस से आपस में फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, किनारे से इसको दबा करके पहले बंद कर देंगे। अब एक तरफ से हमें प्लेट बनानी है और दूसरी तरफ की पूड़ी को उसके साथ दबाते जाना है। एक तरफ से प्लेट बनाते जाएंगे और फिर दबाते जाएंगे दूसरी तरफ से। इस तरह करते 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 हमें पूरा मोमो जो है वो लास्ट तक हमें इसी तरह बंद करना है और किनारे पर चिपका देना है। तो ये दूसरे डिज़ाइन का मोमो तैयार हो गया। अब ये बिल्कुल ही आसान तरीका है जिससे आप बहुत जल्दी मोमोज बना सकते हैं। तो हमें एक लोई ले लेनी है और खूब बढ़िया सी एक बड़ी सी पतली रोटी हमें बेल लेनी है इस तरह। अब कोई भी आप ग्लास या कटोरी ले लीजिए और उससे इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ कट कर लेनी है हमको इस तरह, देखिए। और जितना भी एक्स्ट्रा आटा बचे उसको आप उसी आटे में मिला करके दोबारा यूज़ कर लीजिए। तो ये देखिए, हमने सारी पूड़ियाँ काट ली हैं। अब एक पूड़ी लेंगे, उसके बीच में फिलिंग को रखेंगे और जैसे हमने मोमोज बनाए थे उसी तरह अलग अलग डिज़ाइंस में आप चाहें तो बना सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि इससे थोड़ा सा मोमोज का साइज़ जो होता है वो थोड़ा छोटा बनता है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, स्वाद में तो वही रहेगा। तो इसी तरह हम सारे मोमोज बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे मोमोज बना लिए हैं। तो अब चलिए चलते हैं इसको स्टीम करने। यहाँ पर मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब जो हमारी ट्रे है जिसमें हमें मोमो को स्टीम करना है, उसको हम पहले हल्का सा तेल लगा करके ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे मोमो नीचे इसमें चिपके ना। अब इसमें एक एक करके हम सभी मोमोज को अच्छी तरह से सेट कर देंगे।
तो ये देखिए हमने सारे मोमोज रख लिए हैं और हमारा पानी जो है वो भी बढ़िया तरह से बॉयल हो गया है। तो बस इस स्टेज पर हम जो हमने मोमोज जिस ट्रे में रखे थे उसको इसके ऊपर रख देंगे स्टीमर में और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और आप हमें इसे 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम करके और इसको स्टीम होने देना है। 10 या 15 मिनट में बढ़िया तरह से स्टीम हो जाते हैं। तो ये लीजिए हमारे एकदम गर्मा गर्म मोमो बन करके तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं और 1 से 2 मिनट इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब बस ये बहुत ही आसानी से हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल भी नीचे चिपक नहीं रहे हैं और जो अब हमारे बाकी के मोमोज हैं उसको भी हम बिल्कुल सेम प्रोसेस से उसी तरह स्टीम कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारे बिल्कुल एकदम स्पाइसी मोमोज बनकर तैयार हैं, लग रहे हैं ना डिलीशियस। और इसको कुछ चटपटी चटनी मोमो की उसके साथ आप सर्व कीजिए। इस चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां जाकर चटनी की पूरी रेसिपी देख सकते हैं। तो देखिए फिलिंग पूरी अंदर तक एकदम भरी हुई है, तो अब की ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए मोमोज की तीखी चटनी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे फेसबुक इंस्टा पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।